बिहार में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस बार शहर की सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं का दबदबा रहा है। 17 नगर निगम के लिए हुए चुनाव में 16 में मेयर पद पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 9 सीटों पर तो इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा पुरुषों के साथ साथ सीधे मुकाबले में 8 में से 7 सीटों पर इन्होंने पुरुष कैंडिडेट को पटकनी दी है। पहली बार मेयर के लिए हुए डायरेक्ट चुनाव में शहरी क्षेत्र की जनता ने महिलाओं को अपने शहर का सरदार चुना है। एकमात्र गया को छोड़ दें तो बिहार के सभी नगर निगम की कमान महिला के हाथ में रहेगी। महिला उम्मीदवारों के लिए मुकाबला किसी भी नगर निकाय में आसान नहीं था। नालंदा नगर निगम में अनीता देवी मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। उनके सामने 22 कैंडिडेट थे, इनमें 17 पुरुष थे। मुंगेर की कुमकुम देवी का मुकाबला 21 पुरुष कैंडिडेट के साथ था। वहीं छपरा की राखी गुप्ता के सामने 24 कैंडिडेट थे, इनमें 15 पुरुष थे। सीतामढ़ी की रौनक जहां परवेज तो 30 कैंडिडेट को हरा कर अपनी जीत का परचम लहराया है। जीती हुई कैंडिडेट में कोई बाहुबली की पत्नी है तो कोई सालों से सियासत में एक्टिव रही है तो कोई अपनी कूटनीति से विरोधियों को कई बार परास्त भी कर चुकी हैं, तो कई ठेकेदार की पत्नी है। बता दें कि इस बार के चुनाव में वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की लगभग 48% महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। आरक्षण की इस नई नीति के मुताबिक इस बार राज्य के शहरी क्षेत्रों में 2316 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। वहीं मुख्य पार्षद और उप पार्षद की 128 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।